15 वर्षों के लालू जी और आरजेडी की सरकार जो थी उसके विषय पे एक किसी व्यंगकार ने 2-3 पंक्तियाँ लिख डाली थी उस समय, उस 15 वर्षों की बात मैं कर रहा हूँ, और उसमें उनके गड़बड़ विधि व्यवस्था, भूखमरी, बेरोजगारी का उन्होंने व्यंग के रूप में वर्णन किया था। लिखा था कि मैं सड़क, व्यंगकार लिखता है, मैं सड़क से जा रहा था, सड़क पे एक आदमी पड़ा था, उलटकर उसको देखा तो उसके पेट में छुरा था और उसके सीने पे, पेट पे लिखा था कि मैं भूखा हूँ। यानी कि 15 वर्षों में लालू जी के शासन में भूखमरी, बेरोजगारी, लोगों के पेट पर लात मारने का काम, कई प्रकार के घोटाले और विकास से बहुत दूर रही आरजेडी की सरकार, अगर आज बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी के विषय में ऐसा बोलते हैं तो यह हमेशा गलत है और यह बेबुनियाद है, गलत आरोप है। नीतीश जी के शासन काल में बिहार विकास के पथ पे गया है, बेरोजगारी भी बहुत हद तक दूर हुई है, विधि व्यवस्था बिल्कुल तरह से यहाँ कायम रहती है। लालू जी की सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिलता था, आरजेडी के सरकार में संरक्षण मिलता था, यहाँ अगर अपराध कोई होते भी हैं तो बिहार की सरकार तत्परता से कार्रवाई करती है, एसपीडी ट्रायल कराती है, अपराधियों को सजा देती है। यानी लालू जी की सरकार में, आरजेडी की सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिलता था, इस सरकार इतनी संवेदनशील है कि उसको सजा मिलती है। इसलिए जो विकास का मतलब नहीं समझते हो, विधि व्यवस्था का मतलब नहीं समझते हो, देश की सीमा को नहीं समझते हो, देश की सुरक्षा को नहीं समझते हो, अब शब्दों का प्रयोग हमेशा उनके पार्टी के लोग हमेशा, यहाँ तक कि राबड़ी जी का वो देखे ना, वो कितने कैसे कैसे अब शब्दों का प्रयोग किया प्रधानमंत्री जी के लिए, तो यह बेहताशा में दिया गया यह सब बयान है। हकीकत बिहार भी जानते हैं और देश दुनिया भी जानती है, इसलिए उनके कहने का जो तात्पर्य है वह खुद जो बोल रहे हैं उन्हीं पे लागू होता है। तो सर, इस तरह के निम्न बातों का उपयोग राजनीति में करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र की एक मर्यादा होनी चाहिए, लोकतंत्र में हमेशा विरोध की बात एक दूसरे पे होती तो ज़रूर है, लेकिन अब शब्दों का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए चोर शब्द से प्रारंभ करके बिहार में जल्लाद तक, तो क्या तो क्या तो क्या क्या ऐसे, हाँ माने नाली के कीड़ा से लेकर, जल्लाद से लेकर, तो क्या काट लो, इस तरह की अब शब्दों का प्रयोग लोकतंत्र की मर्यादा को तो धूमिल करती ही है। साथ साथ जो व्यक्ति इस प्रकार के शब्द का उपयोग करते हैं वह अपनी मानसिकता का भी परिचय देते हैं, जो गलत मानसिकता का परिचायक है। हमारे प्रधानमंत्री जी आज दुनिया में, उनको लोग मानता है कि भारत के प्रधानमंत्री, इस देश का नाम दुनिया में सम्मान के साथ आगे बढ़ाया है, यहाँ विकास गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुँची है। वैसे प्रधानमंत्री के विषय में अब सब कहना बिल्कुल ही गलत बात है। नेशन भारत के न्यूज रूम से मैं कात्यायनी मिश्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत को।